सो आज के इस वीडियो में हम MIS एग्जीक्यूटिव, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं। जब हम कोई भी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो उसके ऊपर आपको क्या, आपकी प्रिपरेशन किस टाइप से होनी चाहिए, कि आपको एक्सेल के सारे फीचर आने चाहिए, सारे फॉर्मूलेज आने चाहिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है उसे आना चाहिए, और अरे का कॉन्सेप्ट मस्ट क्लियर होना चाहिए। अरे का कॉन्सेप्ट क्या है? कंट्रोल शिफ्ट एंटर, सिर्फ आपको इतना पता है। अगर आपने इसे डेप्थ में सीखा ना, तो किसी भी टाइप का इंटरव्यू आप खुद से क्रैक करने लगोगे। बड़े बड़े फॉर्मूले क्यों नहीं समझ में आते? क्योंकि आपके अरे के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं, कहीं भी नहीं सिखाया जा रहा, और ना ही एक भी सिंगल वीडियो कहीं है, राइट? तो आओ पहले देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट के नेम यहाँ पे दिए गए हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको वीडियो टाइमली मिलती रहे और आपका नॉलेज नेक्स्ट लेवल तक बूस्ट होता रहे। क्योंकि यहाँ आपको बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर बीआई, वीवीए, मैक्रो से रिलेटेड और इंटरव्यू से रिलेटेड ढेर सारे वीडियो आती रहती हैं। तो यहाँ पे हमारे कुछ प्रोडक्ट के नेम दिए गए हैं। ट्रांसफ़र क्वांटिटी है, साइज़ है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये चाहिए इसको, राइट? तो इसको फॉर्मूले के द्वारा हमें यहाँ करना है, फॉर्मूला रिक्वायर्ड। किस टाइप से हम फॉर्मूला करें? जब हम ड्रैग करें तो यहाँ ब्लैंक आना चाहिए, यहाँ ब्लैंक है तो यहाँ भी ब्लैंक आने चाहिए, एकदम सेम रिजल्ट यही आना चाहिए फॉर्मूले के द्वारा, राइट? अब इसने क्या किया, क्या ध्यान से समझो। 120 मान लो ये टीजी, ये प्रोडक्ट है, तो 120 डिवाइड बाई 12 ये हो गया 10, ठीक है? इसी तरह मान लो ये, जैसे यहाँ पे देखो, ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट दोनों सेम है। अब देखो दोनों सेम है ना, कॉकटेल नट्स है, टीजी 160 ग्राम, दोनों सेम है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो 30 आया है, राइट? यानी इन दोनों को जोड़ के क्या हुआ, इसका और इसका जो आया रिजल्ट, इसका और इसका जो रिजल्ट आया उसको जोड़ के 30 हो गया। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखो, दिस डिवाइड बाय दिस किया, ठीक है, 13 हो गया। फिर उसके बाद क्योंकि दोनों सेम प्रोडक्ट है, तो दिस डिवाइड बाय दिस किया, इसका कितना हो गया, 13.66 एंड 16.33। तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखो 30 आ रहा। तो ये रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन नीचे ब्लैंक आना चाहिए क्योंकि सेम प्रोडक्ट है, देख रहे हो? क्योंकि सेम प्रोडक्ट है तो इसलिए नीचे नहीं आना चाहिए 30 दोबारा, यानी दैट मीन्स अगर नीचे ब्लैंक है यानी डुप्लीकेट है, राइट? जैसे यहाँ पे देखो, ये इसका 20 आया और नीचे भी सेम प्रोडक्ट है तो ब्लैंक, क्योंकि ऊपर ही हमने ऐड कर दिया है। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको फिक्स करने होते हैं, है बड़ा इजी, अभी बताएंगे, लेकिन आप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है सारे, राइट? प्रैक्टिस नहीं की आपने। तो और चलते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला क्या लिखेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू इफ, लॉजिक लगाएंगे। क्यों लॉजिक लगाएंगे, ध्यान से समझना। इफ में क्या लॉजिक लगाएंगे कि भैया मेरा अगर काउंटिफ करेंगे, अगर ये सिंगल है तो पूरा सम करो और डिवाइड बाय ये कर दो। जैसे इफ मैं लॉजिक टेस्ट दिया काउंटिफ, रेंज हम यहाँ से यहाँ लेंगे, सिर्फ कहाँ से कहाँ लेंगे रेंज, यहीं से ये दिस A2 से A2 और पहले वाले A2 को फ्रीज कर देंगे। क्यों कर रहे, समझ में आ जाएगा, F4 प्रेस करके, राइट? और क्राइटेरिया हमारा क्या हो जाएगा, ये सिंपल, ठीक है, ब्रैकेट बंद। तो इज इक्वल टू अगर 1 है, ठीक है, तो 1 है तो वैल्यू ऑफ ट्रू, तो सम इफ्स, ध्यान से अभी समझा देंगे, सम रेंज हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, F4 प्रेस करके फ्रीज कर दिया, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज हमारा क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया रेंज हमारा हो जाएगा ये, F4 प्रेस करके फ्रीज कर दिया, और क्राइटेरिया 1 हमारा हो जाएगा ये, ठीक है, ब्रैकेट बंद, डिवाइड बाई, सिर्फ इसको सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि जो वैल्यू आ रही है डुप्लीकेट देखो सेम है, साइज सेम है, तो भाई डिवाइड कर दो। तो ये हो गया 1 के लिए, अगर यहां पे 1 मिला, अभी आगे समझा देंगे, एल्स तो ब्लैंक, ब्रैकेट बंद, एंटर, और अब हम यहां सिंपल ड्रैग कर देंगे। अभी हम आपको समझा देते हैं, तो क्या रिजल्ट हमारा सेम आ रहा है, देखो आ रहा है, सब कुछ सेम आ रहा है। चलो देखो समझे, कि मान लो यहाँ पे हमने रेंज लिया था, काउंटिव फॉर्मूला लिया, काउंटिव फॉर्मूला रेंज यहाँ पे 1, तो ये क्या करेगा, 1 ही बताएगा क्योंकि एक ही बार है। जब यहाँ आया, यहाँ पे आया, ध्यान से समझना, यहाँ पे, तो यहाँ पे रेंज इसने क्या लिया, यहाँ से A2 से A7 तक, A2 से A7 पूरा रेंज मैंने फ्रीज नहीं किया, क्योंकि क्राइटेरिया रेंज यहाँ पे पूरा का पूरा क्यों नहीं लिया, क्योंकि लेते तो ये डुप्लीकेट बताने लगता, यहीं पे टोटल बताने लगता, तो हमारा जब टोटल यहीं पे बताने लगता तो हम फिर से हम क्या करते, यहीं पे सम इफ्स लगाने लगते, फिर नीचे भी वही सेम वैल्यू आती, तो इसलिए हमने क्या किया, रेंज को यहाँ से लिया, जैसे हम ड्रैग करते जाए वहीं तक का रेंज ले लिया हमने, क्राइटेरिया रेंज। तो यहाँ पे ये क्या आया, 1, तो 1 जब आया तो पूरा का पूरा सम कर दिया,
ठीक है, क्योंकि वन ही है, तो पूरा का पूरा सम कर दिया और डिवाइड बाई दिस कर दिया। अब जैसे यहाँ पे आया, नीचे आया, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आया होगा, देखो कॉन्टिफ में टू आ गया, वन नहीं आया होगा। देखो F9 प्रेस करता हूँ, टू, तो फॉल्स हो गया। तो फॉल्स में हमने दे दिया ब्लैंक, क्योंकि ऑलरेडी हमने सम कर लिया है, सम इस फॉर्मूला लगा दिया वन के लिए, तो वन में ये वाली वैल्यू दोनों सम हो चुकी है। ठीक है, समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो चीज़ें आपको डेप्थ में सिखाई जा रही, कोर्स में भी हमने सारी चीज़ें बहुत ही डेप्थ में सिखाई हैं, और हमारी ऐप की रेटिंग अगर आप देखेंगे तो 5 out of 5 ऐप की रेटिंग है हमारी। मतलब इसमें प्रोफेशनल CA जितने भी हैं, जो इन्फोसिस SCL, उसने भी हमारे कोर्सेज को लिया, जो सीख चुके हैं, क्योंकि हमने इसमें अरे का कॉन्सेप्ट सिखाया जो कोई भी नहीं सिखा रहा, जो आपकी हेल्प करेगा किसी भी टाइप का इंटरव्यू, किसी भी टाइप की क्वेरी आप खुद फिक्स करने लगोगे सीखने के बाद, राइट। तो मैं बोलो रिकमेंड करूँगा कोर्स में इनरोल करो, अपने नॉलेज को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाओ, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करेंगे अपने ऊपर, वो चीज़ें आपको 10x देके जाएंगी। और यहाँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ हरे मास्टरी, तो आपको कोई भी टूल सीखने में गारंटी देता हूँ प्रॉब्लम नहीं आएगी, एकदम लिख के ले लो, राइट। पावर BI अगर 3 महीने का, तो आप पावर BI सिर्फ 1 महीने में सीख जाओगे, और भी जल्दी सीख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना टाइम देते हो, राइट। यहाँ आपको बस टाइम देना, चीज़ों को अच्छे से सीखना है, राइट। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन देखो, यहां पे हमारा क्या है, 1 into 24 एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये चाहिए 24। यहां पे देखो क्या है, 1 कार्टून है, 6 है, 6 है, तो 1 into 6 1 to 6 36, ठीक है। और नीचे आते हैं, तो समझ में आ रहा है ये चीज कैसे लेकर आनी है फॉर्मूले के द्वारा, तो 1 into 3 3 बात आई 36 36। और इस तरह कैसे करेंगे ध्यान से समझना, तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए। देखो यहां पर हमने लिखा इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, टेक्स्ट लिया ये, जितने भी टाइप के टेक्स्ट हैं इसमें दिख रहे हैं उतनी बार हम सब्स्टिट्यूट यूज़ कर लेंगे। तो देखो पहले टेक्स्ट ये लिया, ओल्ड टेक्स्ट में डाल देंगे PKTS। अब देखो सब्स्टिट्यूट केस सेंसिटिव है, अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में ही लिखना, डबल कोट बंद और न्यू टेक्स्ट ब्लैंक। तो क्या होगा, अभी यहाँ से ये हट गया, लेकिन जैसे मान लो मैंने यहाँ से ड्रैग किया नीचे तक, एग्जाम्पल समझो, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। देखो बैग और पैकेट्स क्यों आ गया, क्योंकि PKTS यहाँ तक था इसलिए इसे मिला और हट गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ड्रैग करने से पहले ही जितनी बार है टेक्स्ट उस उतनी बार हम सब्स्टिट्यूट, जैसे अभी पैकेट्स मिला टेक्स्ट, अब CTN के लिए यूज़ करेंगे, बैग के लिए यूज करेंगे, PKTS के लिए यूज करेंगे, जितने टाइप के हमारे टेक्स्ट है उतनी बार हम यूज़ कर लेंगे, राइट। तो कैसे यूज करें, जैसे अभी देखो सब्स्टिट्यूट ये हो गया, टेक्स्ट ये हो गया, फिर से यहां पे जाएंगे एक और सब्स्टिट्यूट लगा लेंगे। तो अब सब्स्टिट्यूट के लिए टेक्स्ट मेरा ये वाला हो गया, ठीक है, इसमें पैकेट्स रिमूव होकर आ रहा है, राइट। अब हमारा ओल्ड टेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहां पे क्या है CTN, तो CTN सेम चीज और ब्लैंक। तो अब मैं ड्रैग करूंगा यहां पे, तो अब देखना यहां पे CTN नहीं आएगा, क्योंकि CTN में ऑलरेडी ये देखो वन आ गया ना, CTN हट चुका है, ठीक है। चलो तो ये समझ में आ गया, पैकेट्स लिया मेरा, तो पैकेट्स जहाँ जाएगा ऑलरेडी हट जाएगा। अगर मान लो CTN आया तो CTN भी हट जाएगा, क्योंकि उसके लिए भी हमने ब्लैंक कर रखा है, राइट, क्योंकि नीचे जब ड्रैग किया तो इसमें आएगा PKTS, राइट। जब हम ड्रैग करें, जब यहाँ पे आएगा तो इसमें क्या आ जाएगा, टेक्स्ट में आएगा, जैसे CTN आएगा तुरंत उसको ब्लैंक कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी उसको CTN के लिए हमने दे रखा है। इसी तरह हम पैकेट्स के लिए भी कर लेंगे, एक और लगा के आपको दिखा देते हैं। सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट ये हो गया, ओल्ड टेक्स्ट में डबल कोट में पी कैपिटल है, तो पी कैपिटल लिखना KTS डॉट ऐसे, और न्यू टेक्स्ट में ब्लैंक, ब्रैकेट बंद एंटर। तो अभी देखो ड्रैग करेंगे तो ये भी आपका हट चुका, अब सिर्फ बैग आ रहा। तो इस तरह जितने टाइप के टेक्स्ट है उतनी बार सब्स्टिट्यूट यूज़ कर लो। मैंने देखो उतनी बार सब्स्टिट्यूट यूज़ कर लिया, ड्रैग कर दिया, देखो सब कुछ हट चुके हैं बीच से, दिख रहा है जितनी बार टेक्स्ट हमने यूज़ कर लिया आप कर लेना, ठीक है, हट चुके। मैं यहाँ पे पहले ट्रिम यूज़ कर लूँगा, जिससे हमारे एक्स्ट्रा स्पेस सारे हट जाए, ठीक है, और इसको नीचे को ड्रैग कर देते हैं। तो अभी आप देखो सब में से एक्स्ट्रा स्पेस हट गए, तो अब प्रॉपर एक ही, जैसे ये इनके बीच में एक स्पेस है तो ये अलग कॉलम में चला जाएगा, सिंपल। अभी 2-3 कॉलम हो रहे थे, टेक्स्ट स्प्लिट लिया, ये फॉर्मूला आपको ऑफिस 365 में देखने को मिलेगा, और टेक्स्ट मेरा ये हो गया, कॉमा कॉल डिलीमीटर में स्पेस, क्योंकि हमारा स्पेस है कॉलम में, बीच में दोनों वैल्यू के बीच में डिलीमीटर, क्या कॉल डिलीमीटर मतलब कॉलम में डालेगा, ये देखो 24, कॉपी करके पेस्ट कर दिया, देखो सब में प्रॉपर आ गया, दिख रहा है आपको। अब बस जब ये आ गया तो अभी एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट, तो बहुत सारे लोग चलो सर प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने का काम करता है, तो सर आ क्यों नहीं रहा, जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि भैया ये वैल्यू एज अ टेक्स्ट है, तो पहले वैल्यू फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे,
अब हमारी ये प्रॉपर वैल्यू के फॉर्म में हो गई। हमने सारी चीज़ें डेप्थ में सिखाई हैं कि वैल्यू आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है कि ये वैल्यू के फॉर्म में है या टेक्स्ट के फॉर्म में है, सब कुछ कोर्स में डेप्थ में। एक बार सीख लिया तो फिर कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर लोगे इजिली, बड़े बड़े फॉर्मूले इजिली समझ में आने लगेंगे, राइट। अब हमने यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लिया और इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ये 24 आ गया, ड्रैग कर दो सिंपल। अब रिजल्ट चेक कर लो क्या सही आ रहा है, आ रहा है सही, ठीक है। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें, ठीक है, प्रॉपर 36 ये देखो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें डेप्थ में सिखा दी हैं, बता दी हैं, और भी नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हो कोर्स को ज्वाइन करो, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय।